काम करने की फुर्सत नहीं है, ना काम करना चाहती है। हाँ, हाँ। सरकार केवल धोखा देना चाहती है, सरकार झूठ बोलना चाहती है। हाँ। सरकार गरीबों का पैसा अमीरों को पहुंचाना चाहती है और सरकारी संपत्ति को बेचना चाहती है और धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संविधान के जो अधिकार मिले उनको छीनना चाहती है। ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं सभी पार्टियां, आप क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं सारी पार्टियां। समाजवादी पार्टी समाजवादी कार्ड खेलेगी, विकास कार्ड खेलेगी, समाजवादी पार्टी खुशहाली का कार्ड खेलेगी। मैंने ये कहा उनका भी छोटा दल है, उन्हें भी साथ देगी। कल्याण सिंह के निधन में आपके पार्टी ने कल्याण सिंह के निधन में आप नहीं पहुंचे थे। 22 साइकिल पे 22 पे कौन कौन सवार हो रहा है, कौन सी पार्टी? अभी कोशिश होगी कि छोटे दलों को साथ दिया जाए और आने वाले समय में जिस तरीके से किसान व्यापारी नौजवान नाराज है, हर वर्ग के लोग दुखी हैं, सच पत्रकार लिखा देंगे तो इनपे भी कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सर जिले का नाम बदला जा रहा है, जौनपुर जिले का नाम। सरकार को हटाने के लिए हर वर्ग के लोग तैयार हैं और इस सरकार के पास मेडिकल कॉलेज नहीं बनाएंगे। जौनपुर, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, जौनपुर का नाम बदल दिया, लेकिन जौनपुर को विकास में पीछे छोड़ दिया। पूरा उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है, यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का नौजवान, यहाँ का शिक्षक, यहाँ का अधिवक्ता, यहाँ के पत्रकार साथी, यहाँ के प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग, हर वर्ग के लोग बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का सहारा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल के कार्यकाल में और उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया, गरीबों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, उत्तर प्रदेश के विकास की गति को रोका है, महंगाई बढ़ी है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।